सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। एक बड़े पहाड़ पर चढ़ने के बाद ही पता चलता है कि अभी ऐसे कई पहाड़ चढ़ना बाकी है। जीत किसके लिए, ये हार किसके लिए, जिंदगी भर ये टकरार किसके लिए। जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, यहाँ से फिर से इंसान को इतना अहंकार किसके लिए। जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, यहाँ से फिर ये इंसान को इतना अहंकार किसके लिए। उत्तम से सर्वोत्तम वही हुआ है जिसने आलोचनाओं को सुना और सहा है। आज का पंचांग 18 जून 2022 दिन शनिवार, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, रात्रि 12:19 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। श्रवण नामक नक्षत्र सुबह 7:39 तक रहेगी। इसके उपरांत धनिष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:06 से 10:46 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:01 से 12:54 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर शाम 6:43 तक रहेगी। इसके उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगी। सिंह राशि 18 जून 2022 दिन शनिवार, जीवन के हर चरण का आप अपने भाई बहन के साथ दोस्तों के रूप में सामना करने के लिए तैयार हैं। अभी आप आत्मविश्वास से लबालब हैं और यह दिख रहा है कई लोग आपकी कंपनी चाहते हैं। सामाजिक मूड का मजा लें और बुरे दिनों के लिए धन बचाना ना भूलें। कार्य में योगदान और उपस्थिति के लिए आपको प्रशंसा प्राप्त होगी। आपके उत्साह के कारण आपके काम और भी बेहतर होंगे। अपने काम और करियर में ध्यान केंद्रित करने के लिए यह सर्वोत्तम समय है। मामूली मुद्दों की जगह उन विचारों पर अपना ध्यान केंद्रित करें जिनका प्रभाव आपके जीवन पर सबसे अधिक है। रिश्तेदारों अथवा पड़ोसियों के साथ चल रही गलतफहमियां दूर होगी। आज आप हर काम को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने की कोशिश करेंगे और कामयाब भी होंगे। आपके अंदर आत्मिक शांति व्याप्त रहेगी। आपको खुद को प्रेरित रखना होगा। आपके द्वारा लिए गए निर्णय की वजह से कई लोग नाराज हो सकते हैं। जिन लोगों से सहयोग प्राप्त हो रहा है उनके साथ बातचीत बंद हो सकती है। अपने बलबूते पर स्थिति को बदलने की कोशिश करें। करियर से संबंधित महत्वपूर्ण पड़ाव पार करने की वजह से आर्थिक स्थिति अचानक से बदल सकती है। पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास होगा, इस कारण उनके व्यवहार में बदलाव नजर आएगा। दिन भर थकान महसूस हो सकती है, ध्यान रखें। सावधानियां, आय की स्थिति कुछ मध्यम रहेगी जिसकी वजह से मन परेशान रहेगा। ध्यान रखें कि गुस्से व जीत जैसी नकारात्मक बातों की वजह से आपके कुछ कार्य बिगड़ सकते हैं। बात करते हैं लव लाइफ की। सूरत रूप रंग आपके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। आप केवल ऐसे व्यक्ति का साथ चाहते हैं जो पूरे दिल से आपको अपनाए। आप बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि जीवन साथी के रूप में आपको कोहिनूर हीरा मिला है। अहंकार गुस्से में इस हीरे को खोना दे। आज फालतू के मामलों में ना फंसें, जो काम जरूरी है उन्हीं पर ध्यान दें। साथी की तलाश है तो थोड़ा इंतजार करें क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। विवाहित हो तो आज आपको रोमांस के वो पल मिलने वाले हैं जिनका इंतजार था। इन पलों का खुले दिल से स्वागत करें ताकि इन्हें और भी खास बना सकें। बात करते हैं करियर की। आप जीवन में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जहां धन और रोमांस के मामलों में भाग्य आपके साथ है, स्वरोजगार शुरू करने के लिए भी यह चरण बेहतरीन है। आप खुश हैं और यह खुशी आपके चेहरे पर झलकती है। यही कारण है कि आपको लोगों का लगातार सहयोग मिल रहा है। अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आज का वक्त शुभ है। दूसरों के लिए कुछ अच्छा करे बदले में आपके साथ भी अच्छा ही होगा। अपनी कड़ी मेहनत आज आपको हैरान कर देगी।
अपने काम और सेहत दोनों पर ध्यान दें। याद रखें, ऊर्जा प्रयास की जननी है और इसके बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। बात करते हैं सेहत की। वर्तमान मौसम की वजह से करियर में दर्द व हल्के बुखार जैसी स्थिति रह सकती है। गर्मी से अपना बचाव रखना आवश्यक है। दिन भर थकान महसूस हो सकती है। आज का उपाय, आज अब गरीबों को काले कपड़ों का और काले तिल का दान करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।